आई एम अनिल कुमार। टुडे वी आर डिस्कस एग्रीकल्चर टॉपिक। टॉपिक्स नेम इज फ्लो चार्ट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटो केचप। तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक्स ले रहे हैं, टोमेटो केचप। तो देन फर्स्ट वी टेक सम टोमेटोज, वॉशिंग, कटिंग, हीटिंग एट 70 to 90 degrees Celsius फॉर 3 to 5 मिनट। स्टीमिंग टोमेटो पल्प्स एंड देन पल्पिंग। तो सबसे पहले आपने टोमेटो लिया, उनको धोया, उनको कट किया, फिर उन्होंने हीटिंग जो 70 to 90 degrees Celsius पे आपने उसको हीट किया 3 to 5 मिनट के लिए। स्टीमिंग टोमेटो पल्प्स, जो उसमें जो पल्प्स था जो आपका, जो उसको अलग किया पल्पिंग, जब तक वो पल्पिंग हो रहा है उसके लिए आपने उसको अलग किया। देन नेक्स्ट कुकिंग पल्प विद 1/3 quantity ऑफ शुगर। ये कह रहा है शुगर की कितनी उसमें क्वांटिटी होनी चाहिए कि 1/3 part जब कुकिंग पल्प करें। पुटिंग स्पाइसिस पे जो आप मसालों वाला बैग है उसको यूज़ कर रहे हो उसके अंदर डाल दे। कुकिंग 2/1 part ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पल्प। ये कह रहा है कि जो आप टोटल उसमें कुक कर रहे हो उसमें ओरिजिनल पल्प की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/3 part। रिमूव ऑफ द स्पाइस पैक, ये कि आप स्पाइस पैक को आप अलग कर लिया, उसको निकाल दिया। कुकिंग एंड एडिशन ऑफ द रिमेनिंग शुगर एंड साल्ट, अब शुगर और साल्ट का उसमें अपने ऐड करेंगे। देन नेक्स्ट जजिंग ऑफ द एंड पॉइंट, अब जो उसका एंड पॉइंट है उसको जज करेंगे। देन नेक्स्ट एडिशन ऑफ द विनियर एंड एसिटिक एसिड, अब विनियर एसिटिक एसिड का यूज़ करेंगे। विनियर एसिटिक एसिड ये क्या काम करता है कि जो इसका प्रिजर्वेंट की तरह काम करता है, जो इसकी सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने के काम करेगा। ये फिलिंग एंड कूलिंग, अब फिलिंग और उसको कूलिंग किया जाता है। पाइचुरेशन, जो इसको पाइचुरेशन किया जाता ताकि इसके अंदर कोई भी माइक्रोजम है वो नष्ट हो जाए, डीगमोजम है जो उसको पूरा वो नष्ट हो जाए ताकि कोई भी डिजीज ना बने। क्राउन स्क्रीकिंग, उसके बाद उसको क्राउन क्रीकिंग किया जाता है। देन नेक्स्ट स्टोरेज, उसका स्टोरेज किया जाता है। देन फ्लो चार्ट फॉर दी मैंगो पिकल्स, ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है मैंगो पिकल्स के लिए। तो सबसे पहले मैंगो ले रहे हैं, वॉशिंग, पीलिंग, स्लाइसिंग। तो सबसे पहले आपने आम लिया, उसको जो कच्चे ग्रीन आम लिए जाते हैं, फिर उनको आपने धोया, फिर उनके जो भी साफ वगैरह किया, जो भी ऊपर उसके अगर कोई कट वगैरह लगा उसको पूरा साफ किया, फिर उसको स्लाइस में काट लिया अलग। पुटिंग स्लाइस इन जार, जार में वो स्लाइस जो आपने कट किया उसके डालिए। स्प्रिंग साल्ट, अब उस पर आपने नमक डाला, जो साल्ट है वो छिड़का। देन नेक्स्ट पुटिंग इन सन फॉर 1 week, अब इसको क्या करें आप 1 week के लिए सनलाइट में रख रहे हो। देन मिक्स स्पाइसेस, अब उसमें मसाले ऐड कर रहे हो जो भी आपको स्पाइसेस ऐड करने हैं। एंड मिक्सिंग मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यहाँ क्या करता है, एक प्रिजर्वेंट की काम करता है। ये भी क्या करता है कि जो माइक्रोजम है उसको नहीं पनपने देता, तो ताकि उनके जो माइक्रो जो कोई भी डिजीज है तो उसको वो उत्पन्न नहीं होगी ना। देन नेक्स्ट स्टोरेज, अब क्या करता है ये, इसमें अपने इसको स्टोरेज कवर करते हैं। देन नेक्स्ट फ्लो सीड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द मार्मेलेड। तो बच्चों अपने नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो मार्मेलेड है, मार्मेलेड बनाने की अपने प्रोसेसिंग देखेंगे कि मार्मेलेड बनाने की प्रोसेसिंग क्या होगी। सबसे पहले राइप फ्रूट्स, तो राइप फ्रूट्स ले रहे हैं, जो भी अपने कोई राइप फ्रूट्स ले रहे हैं उसका वॉशिंग, उनको धो रहे हैं। पीलिंग, उसका जो भी छिलका वगैरह उसको हटा रहे। फिर देन कटिंग, तो अब उसको आप कटिंग कर रहे हो, उसका जो भी रिमूव पार्ट करना है उसको, जैसे उसको आप रिमूव कर रहे। देन बॉइलिंग, अब ये कह रहा है बॉइलिंग इन 2-3 times वेट फॉर दी 40 to 60 minutes। अब ये कह रहा है कि जो आप उसको बॉयल कर रहे हो वो 2-3 times कर रहे हो, कितने टाइम तक, 40 to 6 minutes के लिए। फिर नेक्स्ट देखो स्टेम एंड एक्सटर्न, अब क्या करे कि जब तक उसमें तनाव उत्पन्न यानी कि उसके अंदर जो उसका जूस है वो बहना है तब तक आप उसको बॉयल करते हो। टेस्टिंग फॉर द पैक्टिन कंटेंट, अब ये कह रहा है कि पैक्टिन कंटेंट आपको पहले भी आया था, ध्यान हो थोड़ा पैक्टिन कंटेंट, तो आपने जेली में पढ़ा था पैक्टिन कंटेंट, तो इसमें क्या करता है ये भी उसके लिए टेस्ट करे। तो क्या टेस्ट बताए थे आपको, एक तो बताया था मैंने आपको जेली मीटर एंड एल्कोहल टेस्ट, तो इन दोनों के बारे में अपने जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट एडिशन ऑफ द शुगर, अब क्या शुगर का जो आप उसमें ऐड करोगे, कुकिंग एट 103 to 105 degrees Celsius, इस टेम्परेचर पे आप उसको कुक करें। बॉइलिंग टिल जजिंग पॉइंट, यानी कि जब तक वो जेली एक पॉइंट है तो उसको आपने क्या यूज करेंगे, जब बॉइल टिल जेलिंग पॉइंट तक उसको अपने बॉलेंगे। टेस्टिंग फॉर द एंड पॉइंट, अब एंड पॉइंट उसको जो जज करेंगे, जो उसका एंड पॉइंट है उसको जज करेंगे टेस्टिंग के लिए। फिर उसको दो कुकिंग करते हैं 88 degrees Celsius। फिर फ्लेवर, जो भी आपने उसमें फ्लेवर ऐड करना है कोई भी एडिफिस उसको आपने फ्लेवर ऐड करेंगे। देन नेक्स्ट फिलिंग इन स्टेनलाइजेशन बोतल, उसको बोतलों को उसको स्टेनलाइज जो बोतल की है उसमें फिल किया जाएगा। देन नेक्स्ट स्टोरेज, और उसको स्टोरेज के लिए रख दिया जाएगा। तो ओके थैंक यू, दिस टॉपिक इज कंप्लीट।